सिर्फ ये है वो गुफा वाला स्थान। ये कहते हैं केला माता का पहला स्थान। केदारगिरी बाबा ने यहाँ तपस्या की थी तो केला माता जो है वो यहीं प्रकट हुई। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है माता रानी का मुख्य दरबार। यहाँ नीचे की तरफ अपने जाएंगे। लंबी गुफा थी जो कि जय माता दी की। साथियों मैं डीपी पारीक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों अपने राजस्थान के उत्तरी पूर्वी राजस्थान में योग माया महामाया शक्तिपीठ श्री केला देवी के दरबार में आए हैं। पहले वीडियो में आपने माँ केला देवी के दर्शन किए, अब अपने इसी दूसरे वीडियो में केला माता जहाँ प्रकट हुई थी यानी वो केदार बाबा की गुफा जो कि केला देवी के मुख्य मंदिर से करीबन 3.5 किलोमीटर ऊपर केला देवी अभ्यारण्य में स्थित है। तो ये पूरा चारों ओर जो आप देख रहे हैं ये पूरा केला देवी का अभ्यारण्य है, जंगली इलाका है, करीब 45 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं जंगल के बीच में, यहाँ केदार बाबा की गुफा है जहाँ केदार बाबा उस समय तपस्या किया करते थे। आइए पहले अपने चलते हैं मंदिर की ओर और माता रानी के उस दरबार के दर्शन करते हैं। ये गुफा मंदिर और इस तरफ ये जाने का रास्ता है, तरफ ये मुख्य सड़क है जो केला देवी अभ्यारण्य को पार करती हुई करणपुर घाटी की तरफ जाएगी। तो अपने थोड़ा सा आप ध्यान रखें, यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, करीब 3.5 किलोमीटर आप ऊपर की ओर आएंगे तो यहाँ जंगल के अंदर वो मंदिर है। साथियों अब अपने बिल्कुल जंगल के बीचों बीच स्थित है गुफा वाली माँ केला माता के दरबार में आ गए हैं। ये यहाँ ये मुख्य मंदिर का नीचे की ओर जाने का रास्ता है, करीब 100 फीट गहराई के अंदर, पूरा पहाड़ों का रास्ता है ये और यहाँ 100 फीट गहराई के अंदर माता का मंदिर है जिसमें ये आप यहाँ ऑफिस वगैरह भी हैं तो अगर कोई भी समस्या आती है तो इस तरफ ऑफिस बनी हुई है। ये है मंदिर की तरफ जाने का मुख्य मार्ग। देख सकते हैं कि दोनों तरफ से ऊंची पहाड़ी और फिर इसके बीचों बीच यहाँ मंदिर बना हुआ है। ये नीचे की तरफ गहराई में मंदिर है। साथियों यहाँ एक गोमुख है, कहते हैं कि उससे 12 महीने अविरल जल की धारा बहती रहती है। अभी आप देख सकते हैं ये सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, आज भी इस पर पानी चल रहा है, हालांकि बरसात का अब कोई मौसम नहीं है, करीबन 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, फरवरी का महीना चल रहा है। ये है माता का मुख्य दरबार। यहाँ आज से करीबन कहते हैं कि 1000 वर्ष पहले केला माता जो है वो प्रकट हुई थी। केदार बाबा ने यहीं करी थी तपस्या महाराज जी, कितना समय हो गया इस बात को। और फिर यहाँ पहले प्रकट हुई फिर वहां गई बाद में। अच्छा मुख्य मंदिर तो यही दरबार रहा है पहला। ये कहते हैं केला माता का पहला स्थान। कहते हैं कि जब केदारगिरी बाबा ने यहाँ तपस्या की थी तो केला माता जो है वो यहीं प्रकट हुई थी और यहीं उस राक्षस का वध किया था जिसके पैरों के निशान आपको आज भी देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि यहाँ एक गुफा का निर्माण किया गया था जो कि कालीसिल नदी से जुड़ी हुई है, उसके अंदर भी माता की प्रतिमा है, आप देख पाएंगे इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ नीचे की तरफ आप जाएंगे तो यहाँ नीचे ये जो गहरी खाई आपको नज़र आ रही है इस मंदिर प्रांगण के नीचे की तरफ वो गुफा है, तो अपने इस तरफ से आएंगे इधर से और वो नीचे की तरफ यहाँ है तो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ इस तरफ है ऊपर की ओर एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर बना हुआ है और यहाँ आपको बहुत सारी प्रतिमाएं जो है वो नज़र आएंगी, जैसे ये माता रानी की प्रतिमाएं नज़र आ रही है। तो ये नवरात्रों के समय जो माताओं की प्रतिमा होती है उनको यहाँ कालीसिल नदी के अंदर प्रवाहित किया जाता है, तो इस तरह की माता की प्रतिमा आपको यहाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। तो ये रास्ता जो है वो ये नीचे की तरफ जाएगा। साथियों ये माता का मुख्य मंदिर है और इसी मंदिर के नीचे की तरफ ये है वो गुफा वाला स्थान, हालांकि अब जो है वो ये बंद है। करीबन ये 3.5 किलोमीटर लंबी गुफा थी जो कि उस समय केदार बाबा इसी गुफा में तपस्या किया करते थे। साथियों अब तो ये बंद है क्योंकि इसके अंदर पानी भरा हुआ है। यहाँ पहले माता का नीचे मंदिर भी था, गुफा जो है वो आगे से बंद है। इस तरफ है ये देख सकते हैं पूरी जंगली क्षेत्र है, नीचे कुछ यहाँ प्रतिमाएं भी आपको नज़र आएंगी। साथियों ये जो पानी की धारा आप देख रहे हैं यह अविरल 12 महीने तक चलती रहती है, ऐसी मान्यता है कि इसी गुफा के अंदर केदारगिरी बाबा ने तपस्या की थी।
साथियों, राजस्थान का वृंदावन कहे जाने वाले करौली जिले में आ गए हैं। आज मैं आपको महामाया महायोगिनी माँ केला मैया के दर्शन करवाने वाला हूँ। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण से इनका जुड़ाव रहा है। वसुदेव और देवकी से जो संतान उत्पन्न हुई थी उसको भगवान श्री कृष्ण से बदला गया था। कहते हैं कि जब कंस ने उसे मारने का प्रयास किया तो माता ने कहा कि हे कंस, तुम्हें मारने वाला जन्म ले चुका है। और माता ने उस समय ये भी कहा था कि मैं कलयुग में वापस प्रकट होऊंगी और मुझे केला देवी या केला माता के नाम से जाना जाएगा। साथियों, ये जो गांव है वो केला गांव है और उसी के नाम पर माता को केला माता कहा जाता है। माता को प्रकट होने के पीछे दो तीन किंवदंतियाँ हैं। इस स्थान के बारे में ये किंवदंती है कि यहीं इसी स्थान पर आज से करीबन 1000 वर्ष पहले केदारगिरी बाबा ने तपस्या की थी। कहते हैं कि उन्हीं की तपस्या से माता यहाँ उत्पन्न हुई थी। साथियों, ऐसा माना जाता है कि उस समय केदार बाबा यहाँ तपस्या करते थे और यहाँ राक्षस रहते थे। जब केदारगिरी बाबा ने यहाँ तपस्या शुरू की तो कई वर्षों की तपस्या के बाद में माता ने प्रकट होने का वरदान दिया। कहते हैं कि कुछ समय बाद में माता यहाँ प्रकट हुई और उस राक्षस का वध किया, जिसके पैरों के निशान आज भी उस कालीसील नदी के किनारे एक बड़े पाषाण पत्थर के ऊपर देखने को मिलते हैं। साथियों, यह स्थान जो है वो इतना मनोरम है, चारों ओर से यह पहाड़ी क्षेत्र से घिरा हुआ है। करीबन 100 फीट गहराई में, पहाड़ी की गहराई के अंदर माता का यह मंदिर बना हुआ है, यह धाम बना हुआ है। और मंदिर के नीचे की तरफ एक गुफा बनी हुई है जो यहाँ से करीबन 3.5 किलोमीटर दूर कालीसील नदी को जोड़ती है। तो इसी स्थान पर तपस्या करने के कारण इसे कहा जाता है केला माता का प्रथम स्थान या केला माता का पहला स्थान। ये देख सकते हैं आस्था कितनी अधिक है। आप देख सकते हैं कि इनके घर जो हैं वो यहाँ लोग आते हैं, वो अपनी माता की आस्था के अनुसार यहाँ अपना घर बनाते हैं इन्हीं पत्थरों से, और आने वाले भक्त जो हैं वो यहाँ पर खाना भी बनाते हैं। आप देख सकते हैं, पहले वीडियो के अंदर आपने केला माता के मुख्य मंदिर के दर्शन किए थे, जबकि ये केला माता का गुफा वाली माता या केला माता का पहला स्थान कहलाता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को माता का यह स्थान पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो माता रानी का जयकारा जरूर लगाएं। साथियों, मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक जय हिंद जय भारत।